बड़ी खबर उन्नाव से, यहाँ भी बर्ड फ्लू की दस्तक की खबर है। एक सप्ताह पहले मृत मिली बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। दरअसल तालाब में यहाँ 8 बत्तखें मृत पाई गई थी। बत्तखों की मौत के बाद तालाब से दूर रहने की तमाम लोगों को हिदायत दी गई थी। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद, पशु चिकित्सक समेत CVO भी मौके पर मौजूद। बाकी बची हुई बत्तखों को मारा जाएगा, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू उनमें भी हो सकता है। ऐसे में ये और बड़े स्तर पर कहीं ना फैल जाए। इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि तालाब में जो बत्तखें मरी हुई पाई गई, उसके अलावा जो बाकी बची हुई बत्तखें हैं उन्हें भी मारा जाएगा। अचलगंज थाना क्षेत्र के हडहा गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। दरअसल 8 बत्तखों के शव मिलने के बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद बर्ड फ्लू की इनमें पुष्टि हुई। अश्विनी अवस्थी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, तालाब में 8 बत्तखें मृत मिलने के बाद अब कहा जा रहा है कि बाकी की बची हुई बत्तखों को भी मारा जाएगा। ऐसे में फिलहाल कितना हड़कंप वहां पर मचा हुआ है बर्ड फ्लू की इस दस्तक के बाद? ये पूरा मामला अटलगंज थाना क्षेत्र के हड़हा गांव का है, जहां पर एक तालाब बना हुआ है और तालाब में लगभग 8 बत्तखों की शव मिले थे, जिसके बाद में उनको जांच के लिए बरेली भेजा गया था, जिनकी अगर बात की जाए तो पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की। तो कहीं ना कहीं उससे लोग जो गांव के हैं और जानवरों को लेकर भी घबराए हुए हैं और हड़कंप मचा हुआ है। जी शिल्पा, हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन तैयारियां वहां पर प्रशासनिक स्तर पर किस हद तक नजर आ रही है ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके और बर्ड फ्लू को और बड़े पैमाने पर रोकने से फैलने से रोका जा सके? देखिए, अगर प्रशासनिक अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं वो सक्रिय हैं, और वही जब इस मामला सामने आया था उसी दिन इनका सैंपल लेके भेजा गया था। पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है, साफ तौर से अगर ऐसे मामले और सामने आते हैं तो उसी प्रकार से पूरी तरीके से सुरक्षा बरती जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसको लेके पशु चिकित्सा अधिकारी का अगर बयान की, तो ऐसा मामला पहला उन्नाव के अंदर सामने आया है, तो आगे से अगर आता है तो पूरी तरीके से उसको देखा जाएगा। जी ठीक है अश्वनी, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के साथ इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।